डीजे राजा में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड वो कुछ टॉपिक इसमें नहीं है, मैंने अपना सेटअप जो है 4 बेस का सेटअप मैंने पार्टी में लगाया है। मैं उसका पूरा वायरिंग और पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं फ्रेंड तो यहाँ पर रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें कंप्लीट आपको 4 बेस की जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेटअप जो है लगा लिया है, पार्टी सेटअप, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका कनेक्शन भी मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको एक एक चीज़ मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो आप हमारा बेस देख सकते हैं 4 स्पीकर लगा है, ठीक है इसमें। और यहाँ पर हमने टॉप लगाया है 4, और यहाँ पर कुछ पावर लाइट भी लगा है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फिर इसकी वायरिंग देखते हैं, ठीक है। पीछे की वायरिंग मैं पीछे की तरफ आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं पीछे का हमने पूरा कनेक्शन जो है कर लिया है, ठीक है। अंधेरे के कारण आपको कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं ये हम लोगों का 2 बेस है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे 2 बेस है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एम्पलीफायर मैंने किस तरह से इसमें दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फिर दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये हमने CA20 लगाया है साउंड स्टैंडर्ड का, जो हम लोग इसमें 4 बेस बजा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे जो मैंने एक यहाँ पे लैपटॉप है गाना प्ले करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टूडियो मास्टर DJX का जो है मॉडल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद AHF के लिए हमने धुन लगाया, ठीक है धुन। और यहाँ पर हमने एरॉन्स का भी यूज़ यहाँ पर किया है, ठीक है फ्रेंड। एरॉन्स का हमने CA 4000 सेकेंड ये हम लोग टॉप के लिए यूज़ किए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो पीछे की तरफ वायरिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं पीछे की तरफ, इस एम्पलीफायर के पीछे की ओर चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये है हम लोगों का बेस का स्पीकर, ठीक है फ्रेंड। और इसे मैं जो है अभी इसको मैं पैरेलल मोड में चला रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप पूरा कनेक्शन जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा पीछे का कनेक्शन आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हम लोग प्रो मैक्स का क्रॉसओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो सेम DBX की तरह है, ठीक है। यहां पे 4-way, 2-way, 3-way आप सभी चीज़ यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों का लैपटॉप, यहां पे आपको मिक्सर दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर HF, और ये हो गया, हम लोग इसको भी पैरेलल यूज़ में अपने एम्पलीफायर को पैरेलल मोड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्पीक ऑन दिया, और एक जो है इसको वायर कनेक्शन निकाला है, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख लें, अब इसको हम लोग साउंड टेस्टिंग भी करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो फिर चलिए इसको साउंड टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए मैं विदाउट कॉपीराइट वाला म्यूज़िक चलाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फिर साउंड टेस्टिंग करते हैं।